मैं हूं आयुष्मा और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। टीवी के कॉन्ट्रोवर्शियल निर्माताओं में से एक विकास गुप्ता इन दिनों घर में शिल्पा शिंदे के जुल्म सहते हुए दिखाई देते हैं। खैर पहले विकास ने ही शिल्पा को परेशान करना शुरू किया था, इसके बाद धीरे धीरे शिल्पा ही उनको इतना परेशान करने लगी कि वो उनके आसपास भी भटकना नहीं चाहते हैं। खैर लगता है कि शो के निर्माता ये नहीं चाहते हैं कि विकास घर के अंदर चैन की सांस ले। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स की माने तो अब इस शो में टीवी एक्टर पार्थ समथान को लाने के बारे में सोच रहे हैं। जी हाँ, ये पार्थ वही हैं जिनके साथ विकास की नजदीकी के किस्से मीडिया में खूब चले थे। खैर मामला तब बिगड़ता हुआ नजर आया था जब साल 2013 में पार्थ ने विकास को लीगल नोटिस भेजा। इस लीगल नोटिस में विकास पर पार्थ को गलत ढंग से छूने का आरोप लगा था। खैर इसके बाद विकास ने सफाई देते हुए कहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं है और पार्थ उनके 5 शो का हिस्सा रह चुके हैं। इसके बाद पार्थ ने दोबारा नोटिस भेजते हुए कहा था कि विकास ने उनकी पूरी फीस नहीं चुकाई है। पार्थ और विकास के रिश्ते के बारे में किसी को पता नहीं है। खैर दोनों के रिश्ते को लेकर खुद एकता कपूर ने मीडिया के सामने ये खुलासा किया था कि दोनों रिश्ते में थे। दरअसल बैंकॉक में एकता ने दोनों को साथ में देखा था। बिग बॉस शुरू होने से पहले पार्थ को लेकर खबरें आ रही थी कि वो इस शो का हिस्सा बनेंगे, लेकिन बात कुछ बन नहीं पाई। अब अगर पार्थ इस शो का हिस्सा बनेंगे तो इस घर में विकास का रहना दूभर हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ शिल्पा और दूसरी ओर पार्थ के कहर से उनका बच पाना मुश्किल होगा। वहीं प्रियांक की अगर बात करें तो विकास के साथ उनका भी कई बार नाम जुड़ चुका है। अब देखना होगा कि पार्थ के आने के बाद से प्रियांक और विकास की बची कुची दोस्ती का क्या होता है। वैसे सुनने में आ रहा है कि पार्थ को इस शो में लाने के लिए शो के निर्माता कोशिशों में जुटे हुए हैं, लेकिन इस शो में आने के लिए पार्थ कई करोड़ों की डिमांड कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। टेलीविजन और बॉलीवुड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।